नमस्कार, जय जोहार। जागो पंच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जागो पंच नित्य की भांति आज भी आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण और बेहतरीन वीडियो लेके आया है। इसमें इस वीडियो में आज आपको पता चलेगा कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र और अन्य सभी ये देवी देवता कोई ईश्वरीय शक्ति नहीं थी, ये आम मानव थी। आज की इस कहानी में आपको पता लग जाएगा, क्योंकि वो पता कैसे लगेगा, वो पता इस तरह लगेगा कि जैसे आज इन सभी देवी देवताओं का पृथ्वी पर आना बंद हो गया, इन सभी देवी देवताओं द्वारा पृथ्वी पर जो किया कार्य किए जा रहे थे वे सारे के सारे ठप्प हो गए, बंद हो गए। क्योंकि पहले ये देवी देवता पृथ्वी पर आकर ब्राह्मणों से अपने लिए यज्ञ अनुष्ठान करते थे, लेकिन आज ये सारे के सारे यज्ञ अनुष्ठान बंद हो गए हैं। केवल केवल जो लोग करते हैं वही यज्ञ अनुष्ठान किए जा रहे हैं और हो रहे हैं। तो साथियों, आप सभी बड़ी ही अच्छे दर्शक हैं जो ये देखना चाहते हैं कि कैसे ये सभी आम मानव थे, और ये जानना चाहते थे चाहते हैं कि कैसे इन मानवों को देवता बनाया गया, कैसे इन्हें भगवान बनाया गया। लगातार बने रहिए, आपको वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, लेकिन आपको आज ये विधिवत पूर्णतया जानकारी हो जाएगी, प्रमाणिक जानकारी हो जाएगी कि यह कोई ईश्वर नहीं थे, यह केवल केवल एक आम मानव थे जो पृथ्वी पर रहते थे और अपने अनुष्ठान, यज्ञ, हवन या लोगों को ऐसे ही अंधविश्वास और पाखंड में डालने का काम किया करते थे। तो साथियों, इसकी चर्चा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह हमारे समाज का हिस्सा है और जो हमारे समाज का हिस्सा है उसके विषय में बातचीत करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो साथियों, आज हम इसमें देखेंगे भगवान विष्णु द्वारा अंबिका यज्ञ और आकाशवाणी पुस्तक श्रीमद् देवी भागवत महापुराण, जो सामने है, स्पष्ट है, मैं पढ़ के ये आपको सुना रहा हूं कि भगवान विष्णु द्वारा अंबिका यज्ञ और आकाशवाणी ये कैसे हुई, कैसे यहां पर ये काम किया गया, कैसे ये यज्ञ हुआ, इसके विषय में आज बड़ी ही रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं। इसमें राजा जनमेजय ने पूछा, पितामह, अपार शक्तिशाली भगवान विष्णु तो स्वयं जगत के कारण है, फिर उन्होंने भी यज्ञ किया, यह कैसे? सवाल बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि जो यज्ञ का जो अंश है वो सो खुद लेता है, और आज उसको बिचारे को क्या ऐसी जरूरत आ गई कि उसे खुद यज्ञ करना पड़ा। तो साथियों, वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण है, आप सभी समझ चुके होंगे इस प्रश्न से ही। तो व्यास जी बोले, महाभाग्यशाली राजन, जब भगवती भुवनेश्वरी ने अपने श्री विग्रह से तीन शक्तियों को विदा किया, तब वे तीनों शक्तियां ब्रह्मा, विष्णु और शंकर के रूप में पुरुष बन गई। यानी अब आप यहां पे समझ सकते हैं, जब तीनों शक्तियां जो भुवनेश्वरी देवी ने अपने विग्रह से तीन शक्तियों को विदा किया, कौन सी शक्तियां? तब वे तीनों शक्तियां ब्रह्मा, विष्णु और शंकर के रूप में पुरुष बन गई। जो पुरुष बन रहा है तो वो भगवान कैसे? वो पुरुष बना, यानी पुरुष बना है तो मानव बना है। अब आइए, उस समय उन प्रधान देवताओं के सामने भयंकर जलार्णव ही नजर आता था, अतः वे ठहरने के लिए स्थान बनाने लगे। यानी कि सभी जो ईश्वर थे, ये जो तीनों पुरुष थे, ये तीनों पुरुष अपने चारों तरफ जली जल भरा हुआ था, तो अपने इनके रहने के लिए कोई जगह वगैरह नहीं थी, फिर ये अपने रहने के लिए जगह बनाने लगे। और जगह कैसे बनाने लगे, आपके सामने पेश है। उनके द्वारा पृथ्वी की सृष्टि हुई और वह उस पर रह गए। अब आप समझ लीजिए कि पृथ्वी की सृष्टि हुई और यह उस पर रह गए, ये कोई ऐकुंठ बैकुंठ, ये जो सब नाटक है, ये पृथ्वी का यही हिस्सा है, यहीं पर इनका बैकुंठ है, यहीं पर इनका स्वर्ग है, यहीं पर इनका नरक है। आपको धन के अभाव में जीने को छोड़ दिया जाए तो आपका जीवन नरक हो जाएगा, इसीलिए आपका धन छीन लिया गया, आपके जीवन नरक कर दिया इन्होंने। तो आइए समझते हैं, बड़ी बेहतरीन चीज
उनके द्वारा पृथ्वी की सृष्टि हुई और उस पर वो रह गए। ये कौन कह रहा है? देवी पुराण। मैं नहीं कह रहा। अब यहां पर लोगों को लगता है कि मैं गलत बोलता हूं, लेकिन मैं गलत नहीं बोलता, जो लिखा है मैं वही बोलता हूं। तो आगे चलते हैं। भगवती भुवनेश्वरी ने उस पृथ्वी को शेषनाग के मस्तक पर ठहरा दिया। बड़ी मजेदार बात कि शेषनाग के मस्तक पर पृथ्वी टिका दी। इतनी भारी भरकम पृथ्वी शेषनाग के मस्तक पर ठहराया, वे उसे स्थिर रूप में धारण किए रहे। इस विचार से संपूर्ण विशाल पर्वत बनाए, इस विचार से संपूर्ण विशाल पर्वत बनाए कि उनके नाग पर टिका हुआ है। महाराज, इसी से पंडित जन पर्वतों को महिधर कहते हैं। महाराज, इसी से पंडित जन पर्वतों को महिधर कहते हैं। और मारीच, नारद, पुलस्य, पुलह, क्रतु, दक्ष, प्रजापति और वशिष्ठ, ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहे गए। मानस मतलब मानस किसे कहेंगे? जनमानस, यानी मनुष्य पुत्र कहे गए। और हम इन्हें ब्रह्मा यानी पारलौकिक अलौकिक शक्तियों वाला समझ बैठे। यही हमारी भूल है, यही हमारी गलती है, यही हमारी कमी है कि हम इन्हें ऐसा समझते गए। अब आइए, मारीच से कश्यप प्रकट हुए, दक्ष प्रजापति से 13 कन्याएं उत्पन्न हुई। चलिए, आज तो यहां 13 पर रोक दिया है, बहुत अच्छा है, नहीं तो ये तो लाखों पहुंचा देते हैं, हजारों। कश्यप जी के द्वारा उन दक्ष कन्याओं से देवता और दानव उत्पन्न हुए। तभी से कश्यापी सृष्टि चली, जिसका मनुष्य, पशु और सर्प आदि अनेक जातियों के भेद से विशाल रूप हो गया। यानी हम अगर इस पुस्तक के हिसाब से मानते हैं तो ये तीनों बंदे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये यहां के पहले मानव हैं, है ना, इस पुस्तक के हिसाब से। उसके बाद ये जो बच्चे अपने मानस पैदा करते हैं, वह बच्चे आगे अपना परिवार बढ़ाते रहते हैं। ब्रह्मा जी के आधे शरीर से स्वयं भू मनु प्रकट हुए। आधे शरीर से ही पैदा होगा, कोई पूरे शरीर से नहीं पैदा होगा। आधे शरीर का जहां हिस्सा होता है, जोड़ होता है, उसी जोड़ से ही आगे सब पैदा होते हैं। यहां समझने वाली बात है, आधे शरीर से कोई बच्चा नहीं पैदा होता। अब उनके आधे बाम भाग से स्त्री के रूप में शत्रुपा जी का आविर्भाव हुआ। उन्हीं मनु और शत्रुपा से प्रियव्रत और उत्तानपाद, ये दो पुत्र हुए। अब यहां पर जो ब्रह्मा के ही शरीर से पैदा हो रहा है, बहन भाई है, वह बहन भाई कैसे अपने रिश्ते बनाकर मनु और शत्रुपा ने मिलकर दो पुत्र प्रियव्रत उत्तानपाद पैदा किए, ये एक बड़ी कलंकित बात है, बड़ी शर्म की बात है। लेकिन इन्हें शर्म नहीं आएगी, क्योंकि ये निर्लज्ज है। ब्रह्मा जी ने इस प्रकार की सृष्टि रचकर सुमेरु पर्वत के शिखर पर एक सुंदर ब्रह्मलोक बनाया। अब देखिए, सुमेरु पर्वत के शिखर पर ब्रह्मलोक बनाया। ब्रह्मलोक इस पृथ्वी से बाहर नहीं है, सुमेरु पर्वत पर है। अब हम लोग ब्रह्मलोक समझ बैठते हैं बहुत दूर, यानी वहां पर इन्होंने अपने जो ब्रह्मा, जैसे अभी ये मोहन भागवत बैठा हुआ है, आरएसएस का मुखिया, अब ये सभी ब्राह्मणों को दिशा निर्देश देता है। तो उसी तरह उस समय का ब्राह्मण ब्रह्मलोक में बैठा रहता था, जो वहां का मुखिया होता था ब्रह्मा कहलाता था, और वो ब्रह्मलोक था, वहां से जो दिशा निर्देश दिया जाता था, वो सारे जो भारत में ब्राह्मण फैले हुए थे वो उसका कहना मानते थे। तो यही है ब्रह्मलोक। और आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। फिर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी के मनोरंजन के लिए वैकुंठ प्रकट किया। लक्ष्मी के मनोरंजन के लिए उन्होंने वैकुंठ प्रकट किया, और आज लोगों को वो उन्होंने मनोरंजन के लिए प्रकट किया, लेकिन आज लोगों को वैकुंठ धाम पहुंचाने के लिए, वैकुंठ पहुंचाने के लिए कि तुम वैकुंठ में जाओगे, तुम्हारा जीवन तर जाएगा, वो वहां पर विष्णु जी के जो वैकुंठ पार्वती के मनोरंजन के लिए बनाया है, वहां पर लोगों को वैकुंठ के नाम पर भेज के कैसे चलते हैं, कैसे ठगते हैं, जबकि विष्णु ने अपनी पत्नी के मनोरंजन के लिए वो स्थल बनाया है। तो यही
हमें इनके रहस्यों को समझना पड़ेगा। बड़ी मजेदार बातें हैं, यहां कोई ईश्वर, ये ब्रह्मा ब्रह्मा विष्णु महादेव कोई ईश्वर नहीं है, ये मामूली व्यक्ति थे, यहाँ के मानस थे, मनुष्य थे, और इनको देवता बनाने का काम किसी सातिर बदमाश व्यक्ति ने किया। अब आइए, भगवान शंकर ने भी एक उत्तम स्थान बना लिया, भगवान शंकर से भी रहा नहीं गया, ये सारे घर अपना अपना बना रहे थे। आज जैसे मैंने अपना महेश विला बना लिया है, इसी तरह मेरे भाई ने भी अपना घर बना लिया है। तो ये तीनों भाई थे, तीनों भाइयों ने अपने एक एक घर बना लिए, एक ने ब्रह्मलोक बना लिया, एक ने वैकुंठ बना लिया, एक ने कैलाश बना लिया, यानी शिव ने अपना कैलाश बना लिया। अरे तीनों रह रहे हैं, अब तीनों के रहने से तीनों को ईश्वर बनाने वाला कौन है, यही समझना होगा। और अभी आगे ये भी स्पष्ट हो जाएगा, अभी तो मानस लिख चुके हैं कि तीनों पुरुष रूप बन गई, तीनों शक्तियां, है ना। आगे चलते हैं, राजेंद्र सृष्टि का कार्य संपन्न करके ब्रह्मा विष्णु और शंकर ये सभी महानुभाव अपने अपने दिव्य स्थानों में आनंद पूर्वक रहते हुए इच्छा अनुसार काम करने लगे। एक समय की बात है, गंभीरता आ रही है कहानी, भगवान विष्णु बैकुंठ में विराजमान थे, इतने में उन्हें अमृत के समुद्र में सुशोभित होने वाला मणिदीप याद आ गया। अब उन्होंने महामाया की झांकी की थी, उन्हें पावन मंत्र भी मिला था। अब बताइए, वहां पर उनको पावन मंत्र भी मिला था। अब देखिए, उन परम शक्ति का स्मरण होने के पश्चात हरि के मन में अंबिका यज्ञ करने की बात आ गई। अब यज्ञ करने की बात क्यों आई, क्योंकि इसके ऊपर भी कोई शक्ति है, ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, इसके ऊपर भी कोई शक्ति है, यानी किसी और को मुखिया बना रखा था, अभी ये भी मुखिया नहीं है। अतः वह अपने भवन से नीचे उतर आए, यानी बैकुंठ के, बैकुंठ वो भवन था, बैकुंठ से भवन से नीचे उतर आए। अब यहां पर लिखा है अपने भवन से और पीछे लिखा है बैकुंठ, तो आप सभी उस चीज को गंभीरता से समझिए, ये बैकुंठ नाम का घर था। जैसे मैंने महेश विला लिखा है अपने घर का नाम, तो मैं अपने घर में था, तो मैं अपने घर से जब बाहर आऊंगा तो अपने घर से नीचे उतर आए, ये बाहर निकल आए होगा। अब आइए, महादेव जी ब्रह्मा वरुण इंद्र कुबेर अग्नि यम वशिष्ठ कश्यप दक्ष प्रजापति वामदेव और बृहस्पति भी बुलाए गए, ये सारे सारे देवता बुलाए गए। अत्यंत विस्तार के साथ यज्ञ संपन्न कराने के लिए सामग्रियां एकत्रित हो गई, ब्राह्मण लोग, अब यहां पे गौर करिएगा, यहां पर यज्ञ कौन करा रहा है, भगवानों का, जो ये भगवान थे विष्णु जी, इनका यज्ञ कराने वाला कौन है, इनका यज्ञ कराने वाला है ब्राह्मण। अब आज विष्णु महादेव शिव का यज्ञ ब्राह्मण नहीं करवा पाएगा, अब आप कहेंगे क्यों नहीं करवा पाएगा, क्योंकि ये तीनों बहुत पहले स्वर्ग चले गए, यानी मृत्यु को प्राप्त कर गए, जब मृत्यु को प्राप्त कर गए तो इनसे यज्ञ कैसे कराएगा, और जिसकी मृत्यु हो चुकी है वह कैसे यज्ञ करवा लेगा ब्राह्मणों से। तो यहां पर ये तीनों बंदे, ये विष्णु जीवित थे, इसलिए इन्होंने ब्राह्मण को बुलाया और अपना यज्ञ कराया, कैसे आपके सामने है। ब्राह्मण लोग देवी के बीज मंत्र अर्थात माया बीज का जप करने लगे, अब ब्राह्मण आके विष्णु का यज्ञ करने लगे। आज तो ये हम गली गली घूम के हमारे तुम्हारे यज्ञ करा रहे हैं, लेकिन यहां पर विष्णु का यज्ञ करा रहे हैं, कितना बड़ा बेवकूफ बनाया है इन लोगों ने। विधि पूर्वक प्रज्वलित की हुई अग्नि में उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों द्वारा अभिष्ट पदार्थ का हवन आरंभ हो गया। अनंत आहुतियों के पश्चात आकाशवाणी हुई, विष्णु तुम सभी देवताओं के सदा सर्वोच्च स्थान प्राप्त करो और देव समुदाय में तुम आदरणीय पूजनीय शक्तिशाली होकर शोभा पाओगे। ब्रह्मा आदि तथा इंद्र प्रभृति संपूर्ण देवता तुम्हारी पूजा करेंगे। विष्णु भूमंडल पर तुम्हारी भक्ति से संपन्न अनेक मानव जीवन धारण करेंगे, तुम परमेश्वर कहलाओगे, संपूर्ण यज्ञों में तुम्हारी प्रधानता रहेगी, ये सारे पुराणों और विस्तृत देवों में तुम्हारी विपुल कीर्ति गाई जाएगी। अब इस तरह से आप सभी को यह स्पष्ट हो गया कि यह सारे के सारे आम आदमी, आम आदमी यानी आप ये दिल्ली वाले केजरीवाल से मत लगा लीजिएगा, ये जितने भी आम आदमी थे, ये सारे के सारे आम आदमी कैसे भगवान बन गए, इसकी प्रक्रिया आज आपने जान ली कि ब्राह्मण यज्ञ किया करते थे विष्णु जैसे
भगवानों का, विष्णु जैसे देवताओं का। तो इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाया था कि ब्राह्मणों ने कैसे देवता बनाए, तो यहां पर आप सभी ने देख लिया कि ब्राह्मण ने कैसे भगवान बनाया। तो अब आपको ये जरा सा भी शंका और मलाल नहीं होगा कि भगवानों की उत्पत्ति कैसे हुई, और ये तीनों के तीनों महाछूट हैं, और यह एक साधारण व्यक्ति हो सकते हैं, यह कोई भगवान नहीं है, इस कहानी से स्पष्ट हो गया है। इसी के साथ आज का ये वीडियो कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये आम आदमी हैं, इनका देवी देवता के रूप में कोई योगदान नहीं है। ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें और साथ में बेल आइकन की घंटी दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और साथ ही साथ आप एक काम, जो हमारे नए साथी हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, जिससे आपको लगातार हमारे वीडियो मिलते रहेंगे। इसी के साथ आपसे विदा। जय भीम, जय मंडल जी।